बिहार विधानसभा चुनाव की इस वक्त की अपडेट, चुनाव कार्यालय में जमा हुए नामांकन पत्रों की जांच हो गई है। जी हां, नाम निर्देशन पत्रों में जो भी खामियां थी उसको देखने के बाद में 3 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। जी हां, 3 नामांकन पत्रों को कमियों के चलते निरस्त कर दिया गया है। तो चुनाव कार्यालय में जमा हुए 22 कुल नामांकन पत्रों की जांच की गई आज, और जांच के बाद में 3 में कमियां पाई गई जिसके चलते उन्हें निरस्त कर दिया गया। नारायण सिंह, जी हां, नारायण सिंह प्रत्याशी जो है उनके दस्तावेजों में कमी के चलते उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा SC जैन, रामेश्वर मेवाड़ा, जिन्होंने कांग्रेस से अपना नामांकन भरा था, कांग्रेस सिंबल नहीं होने के कारण नामांकन उनका भी निरस्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर इन 3 का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर 22 नामांकन पत्रों में से 19 नामांकन पत्रों को मान्य माना गया है। रिटर्निंग अधिकारी सुरेश चौधरी और चुनाव पर्यवेक्षक JM पठानिया ने उक्त नियमों की जानकारी देते हुए ये जानकारी उपलब्ध करवाई है कि चुनाव कार्यालय में जमा नामांकन पत्रों की जांच कर ली गई है और 22 में से 19 नामांकन पत्रों को मान्य मान लिया गया है। अब 22 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। उसके बाद में बिहार विधानसभा की चुनावी तस्वीर साफ हो पाएगी कि चुनावी मैदान में कितने प्रत्याशी डटे हुए हैं। तो फिलहाल नामांकन पत्रों की जांच हो गई है और 22 में से 19 नामांकन पत्रों को मान्य मान लिया गया है। तो 22 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं, उसके बाद में चुनावी मैदान की तस्वीर साफ होगी। तो फिलहाल ये साफ हो गया है कि 19 नामांकन पत्रों को मान्य मान लिया गया है।